पूरे प्रदेश में एक साथ बच्चों के ग्रेड निर्धारित हेतु OMR सीट पर लर्निंग आउटकम की परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्तर को जानना है, जिससे कि विद्यालय की ग्रेडिंग सुनिश्चित की जा सके। विद्यार्थियों के लिए आउटकम परीक्षा आयोजित की गई। जनपद देवर में लगभग 1,00,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। देखिए, हमारे यहाँ 100% बच्चे प्रतिभागी हैं और बच्चों के मतलब सामान्य ज्ञान का ही ये परीक्षण है कि बच्चों का हर सब्जेक्ट में जो है जितने 5 सब्जेक्ट इनको पढ़ाए जाते हैं उनमें इनका मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है। यही लर्निंग आउटकम का यही मतलब है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम क्या है। आउटकम से ही आपको मतलब है कि हमें जो मतलब कंक्लूजन मिल रहा है कि बच्चों का नॉलेज किस लेवल का है, इसी का ये परीक्षण है ये एग्जाम। कितने बच्चे भाग लिए? टोटल 100% हमारे यहाँ बच्चे इसमें उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ 5 में नामांकित हैं, जिनको हमने इनरोलमेंट कराया है ऑनलाइन सरकार, मतलब हमारे यहाँ से जो सभी विद्यालयों से जो सूची गई है उसके सारे बच्चे हमारे यहाँ। शाजापुर जिले के शासकीय प्राथमिक नवीन विद्यालय ग्राम रानी बडोद में शिक्षक की मनमानी चल रही है। शिक्षक भगवान सिंह बडाल द्वारा स्कूल टाइम का उल्लंघन किया जा रहा है। जब शिक्षक को हिंदी की लाइन तक लिखना नहीं आता तो ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। पत्रकार द्वारा जब जानकारी मांगी गई तो शिक्षक तर्क दिखाते हुए बोला कि क्या आपके पास शिक्षा विभाग से कोई परमिशन है? भारतीय संविधान के अनुसार पत्रकार को लोकतंत्र का 4th स्तंभ माना जाता है। अगर ऐसे में अनपढ़ शिक्षक पत्रकार से परमिशन के लिए बोलेंगे तो अपराध उजागर कैसे होगा? इसी वजह से शासकीय विद्यालय का स्तर गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताओ, क्या नाम है सर आपका? परिचय बता दीजिए। भगवान सिंह बडाल। अच्छा, आप स्कूल का समय क्या है आपका? 10:30। 10:30 से बंद करने का समय क्या? 4:30। प्रार्थना कितनी बार करवाते हैं? एक बार करवाते हैं। बच्चों को समय पे भोजन मिलता है सर यहाँ पे? हाँ मिलता है। कहाँ आज मध्याह्न भोजन आया नहीं है? आज वो गेहूँ नहीं है तो नहीं दिया हमने, कहीं चक्कर वक्कर 2-3 दिन तक फोन लगा दिया, गेहूँ नहीं आया। मतलब 3 दिन से ही नहीं दे रहे भोजन? 2 दिन से। आप समूह वाला बनाते हैं अपने हाथ में? आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है सर? शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय रानी बडोद। अच्छा, एक लाइन लिख दीजिए आप बोर्ड पर, लिखिए आप। बोलो सया। सर कुछ जनरल नॉलेज पूछना चाहेंगे, आपने प्रधानमंत्री जी का नाम किया है? देखो ऐसा है, क्या आप हमारे विभाग से कुछ लिखवा कर आए क्या अधिकारी? कैमरा चल रहा है सर, कैमरा चल रहा है वो तो सारा जवाब आप लिखवा कर आए क्या? सारा जवाब दे देते हैं, आप किसी से लिखवाते नहीं है? लिखवाते तो मैं जवाब देने में सर। अच्छा ठीक है, कैमरे में दिख रहा है। शाजापुर में ग्राम पंचायत मोहन बडोदिया के सरपंच द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव वालों ने सरपंच पर आरोप लगाया है कि वह गांव की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव के अंदर जो कचरा स्टैंड बनाए गए हैं वह कचरे से पूरे भर चुके हैं, जिससे कचरा रोड पर बिखर रहा है। इसके कारण गाँव में हर जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, जिससे कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का जन्म हो रहा है। अयोध्या पर फैसला आने के बाद अब मेरठ में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। शहर के अलग अलग संवेदनशील हिस्सों पर खुद ADG और कमिश्नर ने दौरा किया। इसके अलावा DM और SSP भी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस सोशल मीडिया पर है, विवादित टिप्पणी करने वालों पर है। अब तक विवादित टिप्पणी करने वाले और सड़कों पर आतिशबाजी करने वाले मेरठ में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें थाना सिविल लाइन, थाना मोचंदी और ब्रह्मपुरी में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। देश आने वाले हैं, पुलिस और प्रशासन सतर्क है और ड्यूटियां लगी हुई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से सहयोग की अपील विभिन्न स्तरों पर की गई है, अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है। अभी इंटरनेट बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है और हम सोशल मीडिया पर भी नज़र रखे हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि किसी के सोशल मीडिया इंटरनेट पे कोई बाधा ना पहुंचाया जाए, लेकिन अगर वैसी स्थिति आएगी तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन इस पर डिसीजन लेगा। फिलहाल पूरे जोन में शांति बनी हुई है, लोग लगातार भ्रमणशील हैं और हम लोग गश्त कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं
और अभी कहीं भी कोई न तो भय की स्थिति या न तो कोई अप्रिय घटना की सूचना है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने की है उससे पूरे जोन में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी लगी है शांति बनी रहे। सर कितने लोगों को नजरबंद किया गया है, कितने लोगों पर नजर रखी जा रही है, कितने लोग चिन्हित किए गए हैं और कितनी अस्थायी जेलें बनी है? ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जिन पे कि हम लोग नज़र रख रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है, और नज़रबंद सिर्फ 2-3 लोगों को ही किया गया है और उनको भी कोई ऐसी नहीं है, उनके मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यह प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह की गलत बयानबाजी कोई भी ना करे। सर कितनी जेलें बनाई गई हैं, कितनी ये सब जो नॉर्मल जो प्रशासनिक तैयारियां होती हैं, पर्याप्त संख्या में डिटेंशन सेंटर हैं, अगर वैसी स्थिति आएगी तो कार्रवाई आगे की जाएगी, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं। सर पुलिस की तरफ से कोई नंबर जारी किया गया है जिस पर कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अफवाहों के और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए? जी, डायल 112 का नंबर है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं उनके नंबर सभी जगह महत्वपूर्ण चौराहों पर डिस्प्लेड है, सभी लोग अपनी कोई भी सूचना दे सकते हैं और लगातार इस पर कार्रवाई चल भी रही है।